सो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या सब सभी लोग, मैं आ चुका हूँ न्यू ब्रांड न्यू लेके। तो यार आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक होने वाला है ना, वो वाला है हाउ इंडियन प्रोस क्लच एवरी टाइम। कि मतलब जो इंडियन के जो प्रोज है ना, वो हर बार क्लच कैसे कर लेते हैं। तो यार आज की इस वीडियो आपको ये बताऊँगा और अपने ही सिचुएशन से आपको समझाने का ट्राई करूँगा कि आप कैसे हर बार बनी फोर की सिचुएशन संभाल सकते हो ईजिली विदाउट कोई पैनिक हुए या फिर कुछ वैसे हुए। तो मैं आपको 2 से 3 टिप्स दिखाऊंगा एंड समझाने का ट्राई करूंगा कि आप इजीली समझ भी जाओ। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर सेकेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने आराम से अपनी गाड़ी लेके जा रहा था अपनी स्क्वाड के साथ, बट इतने मुझे दिखती है कि गाड़ी एंड कुछ बंदे गाड़ी में बैठे हुए, वो देखो सामने जीमा में। तो मैं आराम से गाड़ी कवर में रोकता हूँ, मुझे एक बंदा दिखता है, उसको थोड़ा टाइप देने का ट्राई करता हूँ, बट कुछ नहीं होता। तो भी देखना मैं कैसे सिचुएशन ईजी संभालता हूँ। मेरा टीम मेट एक नॉक हो गया एंड मैंने ईजिली एक और नॉक कर दिया, ठीक है। अभी 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 देखते आराम से, मुझे बंदा दिखा, मैंने उसको डैमेज दिया, मैं अंदर इसलिए आया ताकि देखो मुझे मैं नॉक ना हो जाऊँ, तो मैं ईजिली कवर में आया। और मुझे तीसरा बंदा दिखा, उसको थोड़ा टैग दिए, हेडशॉट दिए, बट नहीं वो नॉक नहीं हो पाया। तो अभी भी 3v3 फाइट है, बट यार जो पहला वाला बंदा था वो रहता फिनिश। इतने में मेरे टीममेट एक और को नॉक कर देता है। अब मुझे खुद से बात है पीछे से एंड देन मैं इसको भी इजीली डाउन कर देता हूँ, बट यार ये मेरा बंदा फिनिश कर देता है हेडशॉट से। बट देखो अभी भी देखो दो नॉक मैंने करे, एक मेरे टीममेट ने, मतलब अभी भी एक बंदा बचा है। तो अभी कुछ फाइट है 3v2, बट यार ये देखो 3v1 की, बट देखो मेरा प्लेयर जो था नॉक एंड फिनिश दोनों हो चुका है। तो अब बचता है मेरा टीममेट और मैं और सामने एक बंदा, बट ये कुछ कम नहीं। अभी पीछे से एक और सोलो बंदा आएगा, वो देखना हम कैसे सैंडविच करेगा, बट हम उसको इजीली टेक डाउन कर देंगे एंड स्क्वाड को भी वाइप कर देंगे। तो मुझे फुट से आते हैं, बंदा ब्रोकन वॉल पे आया, मैं इजीली ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ एंड जहाँ से फुट से आते हैं वहीं पर मैं ग्रेनेड मारता हूँ। बट आई डोंट नो वाई मेरा जो टीममेट था, उसका जो टीममेट था नॉक वाला प्लेयर, वो कंफर्म हो गया, बट जो वो बंदा था वो बहुत डैमेज था। इतने में जो टीममेट है वो जो दूसरा नॉक वाला प्लेयर था उसको भी फिनिश कर देता है। तो अब बचता है एक आखिरी बंदा, बट जैसे मैं घर में आता हूँ, जैसे ऊपर जाता हूँ उस बंदे को एंगल लेने के लिए, बट इतने में आते हैं पीछे से फुट्स। तो मैं पैर देता हूँ पीछे वाले बंदे पे, क्योंकि देखो ताकि वो बैक स्टेप ना कर दे और वो थर्ड पार्टी करके इजली फाइट ना कर दे। तो हम दोनों इजली फायर करके इसको भी टेकडाउन कर देते हैं। तो अभी वो बंदा बचा हुआ है एंड मुझे उसकी लोकेशन एग्जैक्टली पता है कि वो है कहाँ पे। तो मैं आराम से विंडो पे आया, आराम से एक मॉडल लूँगा कि देखो ग्रेनेड तो है नहीं, पहले अपने टीममेट से उसकी लोकेशन बताई ताकि अगर मैं नॉक हूँ तो वो इजीली संभाल ले। मैंने मॉडल से मुँह में मारी, मुझे पता है वो डैमेज है, मैं आराम से कूदा फायर करते हुए एंड वो एक दो हिट भी पड़े, बट वो करो चला गया तो मैंने उसको कुछ कहा नहीं एंड देन ये इजीली स्क्वाड वाइप। बट यार जो मेरे दो टीममेट थे वो मर गए, तो बाकी तो स्क्वाड हो चुकी है। तो बाकी आप देख सकते हो अभी सिचुएशन से आप अपनी सिचुएशन को मैच कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो आप किस्तों में बंदों को लोगे ना तो आप इजीली क्लच कर दोगे। तो ट्राई करो 1v1 फाइट लो एंड अपना को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि अपना 1v1 आराम से जी सको। क्योंकि देखो अगर बंदे अगर 1v1 में आएंगे ना, मैं शतरा कह सकता हूँ 99% टाइम आप इजीली क्लच कर दोगे बहुत प्यार से, समझ रहे हो। मतलब अगर आप बंदे किस्तों में आएंगे तो आप इजीली क्लच कर दोगे, तो उसमें ये समझाना चाहूँगा। तो जब भी बंदे से लड़ो 1v1 फाइट लो और हमेशा एंगल्स और पोजीशन हमेशा चेंज करो, क्योंकि वो बंदा नॉक होगा हमेशा आपकी पोजीशन बताएगा एंड ट्राई करो बंदे को फिनिश ना करो। तो अब चलते हैं दूसरी उस पे सिचुएशन पे एंड आप देखो वहाँ पे मैं कैसे सिचुएशन हैंडल करता हूँ। सो गाइस अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड सिचुएशन की। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑल पे करना मत भूलना, क्योंकि यार आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के कंटेंट मिलेंगे, जैसे कि मॉन्टाजेस हो गए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो गए एंड कुछ क्लचेस वगैरह के साथ कुछ गेम प्ले भी। तो यार बात करूँ अगर मैं इस वाले सेकेंड सिचुएशन की, तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा क्लच दिखाऊंगा, यहाँ दिखाऊंगा कोचिंग की सिचुएशन। तो कोचिंग की में बहुत सारे बंदे आते हैं, कम से कम 5 से 6 स्क्वाड, तो उसमें से एक स्क्वाड से मदद हो जाती है गन फाइट एंड मुझे लकीली मिल जाती है पहले पिस्टल। तो मैं पिस्टल से एक बंदे को कंफर्म कर देता हूँ एंड इतने में दिखता है एक दूसरे बंदे के फुट सेंटर वाली बिल्डिंग से। तो जैसे मुझे फुट्स आते हैं मैं इस बंदे को पुश करने ट्राई करता हूँ, क्योंकि देखो AKM है एंड इन बंदों को गन मिल गई तो अच्छा नहीं होगा। फटाफट से यहाँ आता हूँ, बंदे के फुट्स आते हैं, बंदा नीचे कूदा एंड देन इस बंदे पर शॉटगन थी, मुझे इजीली वाइप कर सकता था, बट लकीली मैं बच गया। देखो मेरे पे हेलमेट वैसे भी नहीं है, मैं फिर भी बंदों पे रश कर रहा हूँ, ये देखो उनको गन मिल गई और वैसे हेलमेट मिल गए तो मुझे इजीली वाइप कर देंगे। तो जो आखिरी बंदा था वो इस घर में था, इनका तीसरा बंदा, क्योंकि ट्रैवल स्क्वाड खेल रहे थे। बट मेरे को लगा उस बंदे पर कुछ अच्छी करना हो, इसलिए मैं आराम से पहले टीवी लेता हूँ
चेक करता हूँ बंदे में कौन सी गन है, बट इतने मतलब खुद ही पुश करते हैं एंड अपने आप को खुद ही वाइप करवा देता है। तो हिसाब से देखो पचिंग की में जो जिससे हमारी गन फाइट थी वो ईजिली हो जाती है वाइप। तो हम जाएंगे आगे बंदे ढूंढने एंड देखो हम यहाँ की सिचुएशन में अकेले कैसे संभालता हूँ, क्योंकि देखो मेरे यहाँ पे टीममेट बार बार नॉक होते रहेंगे एंड सबकी सब सिचुएशन मुझे संभालनी पड़ेगी। तो आप अपनी सिचुएशन से रिलेट करना इसको, ठीक है। सो गाइस रोड पर में अब कुछ फाइट्स हो रही थी तो मैं फटाफट से स्मोक करके रोड पर आता हूँ एंड मुझे बंदे की लोकेशन बताती तो यहाँ पे तो लैग इतना गंदा हो रहा, फिर भी मैंने ट्राई करा कि मैं इजिली क्लच करने का ट्राई करूँ, बट देखो जैसे मैं सकता आता हूँ मुझे कुछ बंदे दिखते हैं एंड देखने में उनको कैसे इजिली वाइप करता हूँ। पहले तो जो नोटिफिकेशन आने बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है तो पहले इसको हटाऊँ एंड अभी देखो मुझे बंदा दिखा तो नॉक करा एंड ईजिली स्प्रे ट्रांसफर करके मैंने इसको भी नॉक कर दिया, मतलब वन स्प्रे टू नॉक्स। पहले मैं इस बंदे को फिनिश करूँगा इजिली, ये देखो बंदा आके बाद में मुसीबत ना बन जाए एंड मुझे पता वो बंदा नॉक है उसको कौन को डब देने आएगा। तो देखो मैं फटाफट से बिना को टाइम वेस्ट करे गन फाइट की सिचुएशन में तो ट्राई करो, बंदा नॉक है दो बंदा नॉक है तो फटाफट से पुश करो। मुझे फुट आते हैं बंदा एक ऊपर गया, मेरा लैग होता है, मैं टीम मेट पर एक मिनट रुक जाऊँ इस बंदे कंफर्म कर दूँ फिर आराम से ऊपर पुश करते हैं, बट नहीं मेरे टीम मेट्स ऊपर घुस जा के नॉक हो जाते हैं सबके सब। बट अभी देखना आप पे कैसे इसको मारते हैं एंड मेरा लक देखना अभी, यहाँ मेरे को फिर से कुछ प्लेइंग करना पड़ा क्योंकि मेरा लैग बहुत ज़्यादा था, बट इतने मेरे दो के दो टीम मेट नॉक होते हैं और फिनिश हो जाता है। इस बंदे मुझे काफ़ी टैग दिया है, मैं कवर मारता हूँ बट इतने में इसको कोई पीछे से मार देता है एंड मेरा जो टीममेट था वो भी फिनिश हो जाता है। तो जो मेरा टीममेट था उसको मैं रेफ दे देता हूँ एंड देखो आगे और बंदे कैसे कैसे सिचुएशन आती है। अभी मैंने जैसे अपने टीममेट को रेफ दिया मेरा टीममेट आगे भाग जाता है अपने बंदे जहाँ पे एनिमी जाए, बट इस बंदे ने कॉल सुनी नहीं एंड हो जाता लॉक। तो मुझे फटाफट से बंदे को कवर देने के लिए जाना था एंड वो बंदा पुश भी करता, तो देखो उसको मैं कैसे वाइप करता हूँ। मुझे बंदा फुटता है इजीली मूवमेंट शूट करके उसको टैग कर दिया एंड पीछे से मेरे टीममेट ने भी कवर दिया। तो इस हिसाब से ये जो स्क्वाड थी वो इजीली वाइप हो जाती है एंड अभी भी ना यहाँ पे दो से तीन बंदे हैं, बट देखो उसने मेरे दो के दो टीममेट दोबारा के दोबारा नॉक कर दिए। बट इस बंदे को मेरे को पता नहीं थी तो मैंने इजीली इसको वाइप कर दिया एंड इसके साथ मेरे जो पोचिंग की है वो पूरे का पूरा खाली हो जाता है। ट्राई कर दूसरा वाले टेंशन है क्योंकि ताकि हमारी लोकेशन ना दे दे, तो मैं फटाफट सब टीम मेट्स को रेप दूंगा एंड आपको लेकर चलता बस लास्ट सिचुएशन पे कि मैंने वो पिक कैसे खाली करा। तो यहाँ पे पोचिंग की खाली हो चुका है विद 9 किल्स, तो रिलेट कर सकते हो अपनी सिचुएशंस को आप। तो अब ये कुछ एक और पोचिंग की सिचुएशन, यहाँ पे हम लोग मतलब वहाँ पे दो स्क्वाड रहती एंड जो पहली स्क्वाड थी वो एक दूसरे से लड़के मर जाती है। तब अब सामने बसते एक स्क्वाड और हम लोग भी छत पे आते हैं, वो लोग भी छत पे घूम रहे होते हैं। तो जैसे मैं टीममेट को मार करता हूँ ट्रिपल शॉट बंदा आया, उस बंदे को मेरी पोजीशन पता नहीं थी एंड वो मेरी तरफ से एंगल पे आया। जैसे ही बंदा ऊपर आता है मैं उसको डेफिनेटली नॉक करूँगा एंड ट्राई करता हूँ उसको फिनिश करने का, क्योंकि देखो मौका बिल्कुल मत छोड़ो, खामा खा वो आपके लिए मुसीबत बन सकता है बाद में। देखो आपको अगर बंदे का छोटा सा सर दिख रहा ना, आप ट्राई करो उसकी उसको वहीं से वहीं का नॉक करने का या फिर ट्राई करो डैमेज दो एंड उसको जब पुश करो तो वो ऑलरेडी लो हो, हेल्थ ना लगा पाए एंड आप उसको इजीली मार सको। तो यहाँ पे एक बंदे को नॉक एंड फिनिश दोनों करता हूँ एंड अपने टीममेट्स को लोकेशन देता हूँ एंड फटाफट से इनकी मतलब टीम बंदे एंड देखो उनको हम कैसे संभालते हैं। मैं जैसे छत पे आता हूँ मुझे वो बंदा दिखा, मैंने प्रीफायर दिया बट इतने में देखो इतना डैमेज देने के बाद मेरा टीममेट वो किल ले जाता है। तो यार अब देखो इनकी बताते हैं दो बंदे एंड हम पे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज था। मैं फटाफट से आता हूँ फुट से चार बंदे के, मैंने ट्राई करा उसको प्रीफायर में लपेटने का बट आई डोंट नो वाई वो नॉक नहीं हुआ। देखो मैंने उसको काफ़ी सारा डैमेज दिया बट मेरी भी हेल्थ कम थी तो मैं पहले ट्राई करता हूँ हील करूँ। मैं फटाफट से अपना हीलिंग मारता हूँ एंड देखना अपना थोड़ा आई क्यू कैसा लगूंगा। पोचिंग की है तो पोचिंग की में ट्राई कर छत टू छत फाइट लो अगर बंदे ग्राउंड फ्लोर पे लड़ रहे तो, अगर बंदे लो है तो मतलब ज़मीन पे लड़ ज़मीन की साइड से आप पे फाइट कर रहे हो, क्योंकि देखो आप अगर हाई ग्राउंड होगा ना आप इजीली उनको वाइप कर दोगे। मैं यहाँ आता हूँ मुझे पता है बंदे ट्रिपल स्टोरी में एंड अब देखना प्यार सा स्प्रे बंदा दिखा तो ईजी स्प्रे के उसके स्प्रे से नॉक कर दिया एंड देखो पीछे से इतना एक बॉट आया तो यार मैं ट्राई करूँगा उस बॉट के लिए भी मैं लूँ, क्योंकि देखो यार एक एक किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मुझे बंदे की लोकेशन दिखी बट पहले बॉट आया, मैंने पहले बॉट को क्लियर करना ट्राई करा बट देखो नॉक एनिमी ने करा किल मैंने लिया। अब मुझे पता है उसका भी एक आखिरी बंदा बचा हुआ है, मेरे टीममेट्स को जो लास्ट बंदा उसको उसको कंफर्म करा जो नॉक था थर्ड प्लेयर। मुझे पता है बंदा का है, मैंने कार से ग्रेनेड लिया एंड देन स्क्वाड वाइप। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको ये जो सिचुएशन मैंने दिखाई आप इसको अपने सिचुएशन से कुछ रिलेट कर सको एंड कुछ सीख भी सको।
आई होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो यार अच्छी लगो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन कॉल पर करना मत भूलना। एंड अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना ना भूलें एंड शेयर भी, ताकि यार बहुत सारे लोग और भी सारे लोग कुछ सीख सकें। तो अब तक लिए जिंदगी वीडियो में।